माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो ना भाई के पास मैं आया हूँ, और यहाँ ये देसी मुर्गी है भाई जान, फार्मी है, शक्ल से देसी लग रही है। कुका मलूका कुका है ना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खानपुर खानबेला पहुंच चुके हैं। सॉरी, ये मेन रोड जो है ना है सादकाबाद रोड, तो पीछे ट्रक भी आ गया है बहुत बड़ा, इसको गुजरने देते हैं। जिस साइड हम इसको गुजरने देते हैं, चलें जी। अभी जो है ना हो चुके हैं जी हम सीधे, क्योंकि उस वक्त जो है ना पीछे से ट्रक आ गया था, आगे जो है ना ये वाला ट्रक आ गया था। तो अभी हम जा रहे हैं जी चांदनी चौक वाली साइड पे ना, उधर शिदानी, हाँ सॉरी शिदानी साइड पे, तो वहाँ पे हमें काम है जी। और यहाँ पे खानबेला भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सिटी बन चुका है, शहर बन चुका है जी। लेकिन ये जो है ना इसका जो MPA MNA है ना, वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि ये शहर जो है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन अभी भी ना चल रहा है माशाल्लाह जी। बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये हम गांव में जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप सबको भी दिखवाता हूँ माहौल यहाँ का। बहुत ही प्यारा प्यारा माहौल है, देख सकते हैं, बिल्कुल विलेज साइड है, और मज़ा आ रहा है यहाँ गांव में घूम के। तो बिल्कुल जिस तरह एक प्योर विलेज होता है ना, उसी तरह का है ये इलाका। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ देखिए सड़कें भी माशाल्लाह बहुत ही कमाल की और पकी पकी सड़कें हैं जी। ये क्या चीज आ गई है आगे, ये है जी चाइना रोड, सखर रोड भी कहते हैं इसको। ये चाइना और पाकिस्तान के तावों से बनी है, मतलब चाइना का यहाँ पे इस पे ऊपर ठेका है फिलहाल। पहले भी मैंने आपको कई बार दिखाया है ये वाली रोड, ये चाइना से जो चीज़ें मतलब वो आती हैं ना, तो अब दूसरा जो उनका मेरे ख्याल में कोई पार्ट वगैरह है, जो भी मतलब उनको सहूलत होती है सामान वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, उसमें ये रास्ता बनाया गया है जल्दी पहुंचाने का। पहले शिपिंग के ज़रिए जो है ना वो होता था सिस्टम, लेकिन वो जो है ना काफ़ी उसमें महीने लग जाते थे उनको। अब जो है ये बनवाया है, बनवाइए रोड, आप ये जल्दी जल्दी सामान उसका आ जाता है, और फिर भेज भी सकते हैं इसके ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इसलिए ये जो है ना पाकिस्तान ने रास्ता दिया है और चाइना ने बनवाया है जी। अभी हम जी पता नहीं कौन सा ये चौक पे पहुंच चुके हैं। अभी हमारा सफ़र जो है ना आगे है, और ये आगे जो है ना हेड वगैरह आ गया है, कोई नहर है जी बड़ी। अच्छा ये देखें जी, ओ ट्राली आ गई है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, उम्र ठाकुर के अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं जी, यहाँ एक मदरसा है यहाँ पे, तो जो बंदे मेरे साथ थे ना उनका कोई काम था यहाँ पे, तो मैंने ये इन्होंने कहा कि हमारे पास बंदा नहीं है चलाने वाला गाड़ी, तो मैं आप जो चलें हमारे साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, मैंने कहा चलो कोई चीज़ खाते हैं, मुझे तो भूख लगी हुई थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ढूंढूँगा कोई मेडिकल स्टोर, उसके बाद मैं गोली वगैरह लूँगा कैप्सूल, उसके बाद फिर कोचिज लेते हैं जी खाने के लिए। इधर तो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा मुझे मेडिकल स्टोर, इधर चेक करते हैं। और यहाँ पे जो है ना स्पीकर चलाया हुआ भाई ने, कोई चीज़ बेच रहा है आलू वगैरह, तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं जी, अल्लाह करे मिल जाए मेडिकल स्टोर हमें। लेकिन बहुत मुश्किल है मेडिकल स्टोर मिलना, ये चौक जो है ना वो छोटा मोटा चौक है, यहाँ पर जो है ना नहीं मिल सकता मेरे ख्याल में मेडिकल स्टोर। यार भाई मेडिकल स्टोर तो कहाँ पता है मेडिकल स्टोर का, उधर। अच्छा बहुत शुक्रिया यार, अभी चलते हैं जी वहाँ ढूंढते हैं कोई मेडिकल स्टोर। वो कहता है भाई उधर है वो, वहाँ आगे भी ना है वो, और यहाँ मेरे ख्याल में कोई ये नहर वगैरह है इतना बड़ी।
अभी उधर चल के ना आपको दिखाते हैं वहाँ पे। ये हमें पुल क्रॉस करनी पड़ेगी, वैसे हम आए भी यही पुल क्रॉस करके ही हैं। तो वहाँ पे जो है ना हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हम जो है ना उनको मैंने बिठा दिया वहाँ पे, मैंने कहा मैं आता हूँ 5-10 मिनट तक। तो सबसे पहले जो है ना मेडिकल स्टोर यहाँ से ढूंढते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी ये है जी नहर, देख सकते हैं आप, ये इतनी बड़ी नहर, और यहाँ देखें जी। तो मुझे ना सब देख रहे हैं कि पता नहीं ये वीडियो क्यों बना रहा है, और यहाँ देखें झंडियाँ लगी हुई हैं लाल पीली, और यहाँ कुत्ता भी बना हुआ है, वो देखें जी कुत्ता है, पता नहीं गिद्दड़ है, पता नहीं रीछ भला है। ए यहाँ दो गधे बैठे हुए हैं, ये चेक करें जी, ये कुत्ता है एक साथ और दो गधे बैठे हुए हैं साथ, पता नहीं ये किस झंडियाँ लगी हुई है, पता नहीं किस चीज़ की झंडियाँ हैं जी। और यहाँ पे जी ये देखें जी, हे हे इतना बड़ी नहर, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और सूरज निकलने वाला है देख सकते हैं माशाल्लाह जी। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टोर मिल सकता है मेरे ख्याल में, और यहाँ यखनी वाला भी खड़ा हुआ है, यखनी भी पीते हैं चल के इससे। ये एक मेडिकल स्टोर है, यहाँ से कैप्सूल मुझे मिल गया है, शुक्र है अल्लाह का, यहाँ से मैंने लिया है और खा भी लिया है। मेरे सीने में जलन हो रही थी तो मैंने कहा चलो ले ही लेती हैं और खा ही लेती हैं। अब दोबारा मुझे जाना पड़ेगा वो आगे तक जो है ना है वो मदरसा, और ये भाई जो है ना मेरे पीछे ही लगा हुआ है, उधर था उधर आ गया था, इधर पहुँचा इधर भी आ गया है माशाल्लाह जी। यहाँ पे जो है ना भाई के पास में आया हूँ, और यहाँ ये देसी मुर्गी है भाईजान, फार्मी है, शक्ल से देसी लग रही है, हाँ पीली पीली हो गई है ना, देसी भी पीली होती है ना, हाँ। चले जी यहाँ से मैंने अंडा बनवाया है इससे, और मैंने कहा चलो खा लेते हैं, सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा है तो रेस्ट करते हैं। भाई ने कहा है कि खाओगे पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, है ना भाई जान, हाँ जी। अभी टेस्ट करते हैं फिर भाई को रिव्यू देंगे, हाँ जी हाँ जी, अभी रिव्यू करेंगे ना, फिर देखेंगे ना कैसे बना हुआ है, फिर आप सबको बताते हैं कि कैसा बनाया भाई ने जी। चलें जी ये चिकन डाल गया जी, वाह वाह माशाल्लाह जी, ये चेक कर लो जबरदस्त, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करें जी लुक हमारी यखनी की। यार भाई मज़ा आ गया यार, बहुत शुक्रिया यार, आपने गर्मा गर्म सूप पिला दिया यार। अभी जो ना अंडा मैंने ना इनसे कहा, मैंने कहा आप अंडा बिना एक खिला दें, पैनाफ्लेक्स कहता है भाई, पैनाफ्लेक्स दिखाएं यार मेरा, ये देखें जी बिस्मिल्लाह चिकन यखनी मोरी कचल 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 जी मोरी कचल, ये अब खान बेला के साइड पे है ना, हाँ जी मोरी कचल जी, अब अंडा खाना है आपने, अंडा भी खा सकते हैं जी आकर, बिस्मिल्लाह। आज ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे भाई के पास आ गया, यहाँ भाई गर्म है ना, गर्मा गर्म है ना, बहुत शुक्रिया यार। तो मैंने वहाँ से ना यखनी वगैरह पीने से ना पीने के बाद फिर मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने कहा भाई से गदेला खा ले, टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त जी माशाल्लाह जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मदरसे में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो कारी साहब बैठे हुए हैं, उनके पास हम आए थे काम, तो काम हमारा जो है वो हो चुका है, अभी जो है ना हम जाने वाले हैं, वो भाई आ रहे हैं, उनका काम था वैसे तो, उन्होंने मुझे ऐसे ही वो साथ ले आए मुझे कि आप चलो हमारे साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलता हूँ। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह वापस रवानगी है हमारी, वो आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम भी चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस आ चुका हूँ, और नाश्ता वगैरह सॉरी खाना वही धुआं, खाना वगैरह यहाँ बनना शुरू हो चुका है, मैं ये कहने वाला था आपको, लेकिन इन्होंने धुआं मचाया हुआ है बहुत ही ज्यादा, इसके बगैर हमारी सलाम नहीं खत्म होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से हैं, लक्ष्य करें हम भी खैर से हैं, और हमारी दुआ हमें देखो जहाँ भी रहें खुश रहें बाद में इसके लिए मुस्कुराते रहें। आज ये काफ़ी देर के बाद व्लॉग में आ रही है, क्योंकि मैं चला गया था उधर उनके पास साथ,
अब देखें उन्होंने काम कहा है फिर मैं ना मानता ना फिर बुरी बात है। उन्होंने कहना था कि गाड़ी चला तो लेता है, नखरे कर रहा है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप चलो। तो ये यहाँ पे हमसाया है, उसकी गाड़ी थी और वो बंदा मसरूफ था, उसने कहा है मेरी गाड़ी ले जाओ बेशक लेकिन मैं नहीं जा रहा साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो आप चला लेते हो, आप हमारे साथ चलो, आप चला लेना। तो अगर वो किसी किराए वाले को बुलाते फिर उनका 2-3 हज़ार लग जाना था, ऐसे उन्होंने 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, उनका काम हो गया। तो इसलिए ना उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, काम कभी कभी आता है, तो कभी हो सकता है हमारा काम भी उनके पास चला जाए, फिर वो भी ऐसे कहेंगे कि मना कर देंगे हमने नहीं करना है ना। हाँ, हाँ ऐसे ही होता है। चलो आपके दुख सुख में इंसान इंसान के हाँ जी काम आता है। आपकी हाँ जी आपकी गाल इतने लाल हो गए हैं ना बहुत ज्यादा, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से खून निकल रहा हो ना चीक्स के ऊपर से इतनी रत्ती लाल हो गई है। मैं वो आग पे बैठी हूँ ना, सुबह से सर्दी लग रही थी, हम कांप रहे थे, फिर मैंने ये आग जलाई। सिलेंडर पे इतना महंगा है, मैंने कहा कि आप उसके ऊपर हाथ सेके वो आग जला लेते हैं, चले ये सस्ता भी है। हाँ और ये जो है ना अरहम ये आग जला रहा है, देखिए लकड़ियां तोड़ रहा है और जला रहा है। हाँ, है न हाँ जी। तो अभी दाल हम बना रहे थे वो फिर मैंने रख दी है, साग बना लिया फिर। हाँ दाल भी है साग साथ, वो भी है साग भी है जो दाल बन गई है। हाँ अभी आपने कहा रख दी है, मैंने आधी बनी आधी नहीं बनी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपने कहा था रख दी है फिर बन कैसे गई है, बस थोड़ी सी रह गई तड़का लगाने वाली फिर मैंने रख दी है। अच्छा आप दाल खा लेना बस, क्योंकि आप साग ना खाओ गर्म होता है बहुत ज्यादा, फिर आपका गला खराब हो जाता है, क्योंकि खट्टा खट्टा होता है ना ये भी, खट्टा नमकीन होता है ये। और रोटी हमारी पहले जो है वो डल चुकी है, अब ये रोटी इसने एक पकाई है लेकिन आवाजें दे रही है आ जाओ खा लो, रोटी पकाई नहीं है। घंटा पहले आवाजें लगाऊंगी तो आते आते आप लोगों को घंटा तो लग जाता है। तौबा हाँ तो ये हाल है भाई, प्यारे फिर भाई देख लो आप इसकी बातें, ये बहुत वो है सुस्त है। क्या मतलब सुस्त हूँ, इतने सारे काम करके आ गया हूँ वापस अभी भी सुस्त है जी, दो मैं दूध लेके आऊ सुस्त हूँ तो। रोटी खा लो पक चुकी है, अभी तो देर है इसको, इतना देर में वापस आ जाऊंगा, अब खा लो 3 रोटियां बनते ही वापस आ जाऊंगा मैं, खा लो अब फिर चले जाना फिर ठंडी हो जाएगी। आपका क्या हाल है? ठीक। तबीयत सेहत ठीक है आपकी? इसको बुखार हो गया था, इसके मुंह पे भी दाने वगैरह बन गए थे, फिर अभी कुछ ठीक है पहले से ना, सर्दी की वजह से ना इसका जो जिल्द है ना वो खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है, तो इसलिए ना इसके मुंह पे भी दाने बनना शुरू हो गए थे। अभी दवाई तो ली है माशाल्लाह ठीक है, जबान को नहीं लगानी, जब दवाई पीते हो फिर जबान को नहीं लगती, लगती है जबान को, फिर जबान को अलग लगाओगे, थोड़े थोड़े जबान लगाना पागल हो क्या, थोड़े को जबान पे लगाओ, अगर फिर जबान पे भी दाने निकल आते हैं। और नहीं तो क्या, ना लगाना जबान गंदा होता है पूरा, लूसी चले जी। पक चुकी है जी रोटी, मुबारक हो, अगर आप सबने भी खानी है तो आप भी आ सकते हैं जी और दिखा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे साग की लुक लाइक चेक कर सकते हैं, लुक लाइक वाओ, साग की हमारी लुक लाइक वाओ है जी, ये अम्मी ने आज बनाया है, उसने अब्बू अभी देख के गए थे कुछ देर पहले, अभी आपको चेक करवाते हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चेक करें जी, होए टेस्टी, लुक लाइक वाओ खाने नहीं, इतना बड़ा लग रहा मुझे दे रहे हो। शाम का टाइम है जी और बहुत ज्यादा सर्दी है, देख सकते हैं धुआं स्मोक उड़ रही है, स्मोक का यहाँ पे धुआं है और फुल सर्दी है, फुल ठंडी बर्फ की तरह हवा चल रही है और मुंह को चीर रही है, ऐसे दूध लेने के लिए गया था, बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ।
हाँ जी, चाय वगैरह बनानी है आज? चाय बनानी तो है, पीनी है तो बना। मैंने तो नहीं पीनी, आपने पीनी है तो बना लो। फूल गई है पत्ती। हाँ। पत्ती नहीं है? पत्ती नहीं है। चलो फिर सुबह पी लेना चाय। हाँ चलो। अरे मलू कहाँ है? अरे मलू कहाँ? अरे मलू की। अरे मलुका किधर गयो? मलुका मलुका ये। अरे मलुका इतने सारे कपड़े थे मुझे। अरे मलुका मलुका अरे अरे मलुका टॉपी मेरी पी बती मलुका टॉपी मेरी पा के दिया से। अरे लहा ले मैं कू। हमारे गांव में ना, हमारे गांव में भी एक मलुका है और उधर भी एक मलुका है, एक तीस चक है, हमारे रिश्तेदार हैं उधर भी एक मलुका है। तो मोना मुझे याद आई हुई थी आज, तो मैंने ना इस समीना का नाम भी आज से मलुका रख दिया। मलुका है क्या? है क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सामान उठा रही हूँ। हाँ। तो क्या कर रही हो? आज साग में बच्चे बोल रहे हैं। ये है जी मलुका का बेटा। है ना? मलुका ना पोतर कुका। इसका नाम कुका, इसका नाम कुका, उसका नाम मलुका और मेरा नाम फदुका। मेरे नाम फदुका मलुका कुका है ना? हाँ जी। मेरे नाम खजूर। खजूर कहाँ पे लगे हुए हैं? पिन्नू पट्टू। चाय बनाई? नहीं बनाई, अपने लिए बना लिया बस। पत्ती है फिर मैं क्या करूं? चल आपके लिए पत्ती है, हमारे लिए पत्ती नहीं है। थोड़ी सी पड़ी थी मैंने। हां आप देखना, ये सुबह सुबह उठते ही मुझे भेज दिया कहे कि जाओ पत्ती ले के आओ जी हमारे लिए। हां हां अभी ले आते दो आटा भी तो घर रखा है ना? वो भी ले आऊंगा आटा यार। आटा लेके अम्मी वाला घर भूल गया। फिर मैंने कहा दूध लेने जाऊंगा फिर लेके आऊंगा, फिर जब दूध लेने के लिए गया फिर भूल गया। दिमाग जगह पे हो तो। हाँ तो दिमाग तो खाया होगा इसने सारा। हाँ दिमाग खाती है ना आजकल, मोबाइल देख देख के दिमाग खर्च हुआ है। बस कर दो, निकल जाओ इधर। घर से दिमाग उठा के गए भी करो। अच्छा घर से दिमाग उठा के गया करो जी, चेक करें जी इसके कारनामे। और कहाँ से उठा के, कहाँ से उठा के जाता हूँ? क्या लगाया है? क्या फेंका है? रोटी टुकड़ा ही। हाँ? अच्छा यार उधर से बर्तन भी उठा लो मलुका। बर्तन नहीं सॉरी वो कपड़े, वो देखो सारे दोबारा फिर बारिश में गीले हो जाएंगे। जेरा अलावे दर अलावे। काम चेक करें भी, जो बात बंदा करे ना कि ये काम कर लो फिर उसी पे कहती है कि ये तुम कर लो। हाँ वो तीन नशाई जो थे ना, ये वही मिसाल है। तीन सही वो ना एक बना रहे थे खाना, उनकी अम्मी ने कहा कि जी जाओ घी लेके आओ। वो एक का कहता है दूसरे को, दूसरा कहता है तीसरे को, तीसरा कहता है वो आगे। फिर वो तीनों जो है ना इन्हें एक डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना ऐसे करते हैं कि जो हिलेगा चुलेगा ना जब या बोलेगा बोलेगा तो उसको जो है ना हमने घी लेने के लिए भेजना है। तीन नशाई जो है वो पड़े हैं चार पाई के ऊपर, तीन दिन चार दिन हफ्ता हो गया पड़े रहे पड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा कोई नहीं हिल रहा। तो लोग आए देखा कि वो मर गए बेचारे शायद। फिर वो जो है ना उन्होंने जनाजा पढ़ा, फिर भी वही पड़े हैं हिल नहीं रहे, कहीं घी लेना लेके जाना पड़े, वो हिल नहीं रहे बोल नहीं रहे। तो वो जो है ना उन्होंने उठाया ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा पढ़ने के बाद जो है ना कब्र में दफने के ले गए, सब कुछ सुन रहे हैं चुप करके पड़े हुए हैं, बोल नहीं रहे कि कहीं घी लेने जाना पड़े। तो वो लोगों ने सोचा कि क्या आप नशाई हैं, इनको जो है ना तीन तीन कब्रें खोदें इनको दफनाएं, ऐसे करते हैं सबको एक ही कब्र में दफना देते हैं। नशाई सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, कहीं घी लेने जाना पड़े, घी के डर से चुप करके पड़े हुए हैं। तो फिर सबको जो है ना एक को पहले नीचे डाला, फिर उसके ऊपर और को डाला, नीचे के निचले वाले के ऊपर वजन आया,
फिर तीसरा जो है ना डाला, फिर जब आखिरी आखिरी था ना उसकी ना निकल गई, सबने कहा चलो जी जाओ जाओ आखिरी जो है ना घी लेने के लिए जाए। तो ये मिसाल है वही है, जो बोले दर वाला है, मतलब जो जिसने बोलना है उस वही काम करने के लिए जाएगा। अब मैंने इसको बोल दिया तो इसकी कहती है कि जाओ जी तो काम करके आओ। हाँ तो ये हाल है इसका, कभी कभी क्या मतलब सारे काम तो मुझसे करवा लेती हो। हाँ फिर कहते हैं कभी कभी काम करते हो, कभी कपड़े वो सूखे हैं नहीं सूखे, कहाँ सूखे हैं। हाँ धूप निकली नहीं है ना, बात ये है। ये ऐसे फेंक देते हैं। हाँ हाँ मलूका ये बाइक आगे करके खड़ी करो, सारा पानी हो जाएगा। नहीं आता पानी। तो जी प्यारे बहन भाइयों आपने मिसाल सुन ली, जो लाए जो बोले वही दर वाला है, जो बोलेगा वही काम करने जाएगा। मिसाल बहुत अच्छी है, फनी भी है थोड़ी सी ना। तो फिर इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करने के मिलेगी, रहते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक है जी अल्लाह हाफिज़।